हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DKR 265। आज मैं आपको पेंटिंग की छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही लाइट स्केच ड्रॉ की हुई है जिस पेंटिंग की मुझे पेंटिंग बनानी है। तो आपको भी अगर किसी भी पेंटिंग को बनानी है, तो अगर आप बिगिनर हैं, आपसे डायरेक्ट कलर नहीं होता है, तो आप उसके लिए सबसे पहले उसकी बहुत ही लाइट स्केच ड्रॉ कर लिए जैसा आपको ठीक लगे। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ कौन सी कलर डालनी है। देन इसके बाद फिर हम धीरे धीरे से कलर करना स्टार्ट करेंगे। और हम सबसे पहले क्या होता है, डार्क कलर को हम करेंगे नीचे, जो डार्क कलर होता है उसका यूज़ करेंगे। देन उसके बाद लाइट 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 करते जाएंगे। तो डार्क और लाइट कलर, किसी भी कलर पे डार्क और लाइट कैसे बनाते हैं, तो अगर किसी भी कलर पे आप वाइट कलर मिक्स करते जाएंगे, धीरे धीरे से मिक्स करना है, एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे से ही मिक्स करते जाना, तो उससे क्या होता जाएगा कि वो कलर लाइट 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 बनता जाएगा। और अगर हमको डार्क कलर चाहिए तो हम उस पर ब्लैक कलर मिक्स करते जाएंगे। ब्लैक कलर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो वो थोड़े से में ही काम करता है। तो ब्लैक कलर को बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में लेके ही मिलाना है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो पे ये आपको ज़रूर दिखाऊंगी कलर मिक्सिंग के लिए, कि कैसे कलर मिक्सिंग करनी है लाइट कलर बनाने के लिए एंड डार्क कलर बनाने के लिए। और अगर आपको मुझसे कुछ और भी पेंटिंग, रंगोली, स्केचिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें जाननी हैं, बातें जाननी हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसका भी एक वीडियो बना के आपको समझा सकूं। मैंने यहाँ बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स बनाई हैं, तो मैं आपको इसकी भी ट्रिक्स बताती हूँ। क्या होता है कि जो ब्रश में जब हम किसी भी चीज़ को फाइन फिनिशिंग देते हैं, तो वो बहुत ही दिक्कत जाती है पेंसिल के हिसाब से। तो यहाँ पर जो मैंने एकदम ही ज़्यादा जो बारीक फिनिशिंग दी है, वो बहुत ही पतले ब्रश से दी है। ब्रश जो है वो नंबर वाइज आती है। तो यहाँ पर जो डार्क कलर है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कलर यूज़ करेंगे, लेकिन जो लाइट कलर है उसके लिए क्या होता है कि ब्रश पे हम जब थोड़ा सा भी कलर लगाते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाती है और वो फिर डार्क दिखने लगती है हमको। तो सबसे पहले आप कहीं पर भी खाली जगह पे या फिर किसी पेपर पे, ख़राब पेपर पे आप अपना ब्रश एक दो बार चला लीजिए। फिर उससे क्या होगा कि या तो अगर आपकी ऑयल पेंटिंग है तो उसमें की ऑयल सूख जाएगी, या फिर वाटर पेंटिंग है तो वाटर सूख जाएगी। फिर उसके बाद उसे आप हल्का हल्का चलाइए वहाँ, तो वहाँ बिल्कुल वो पेंसिल वाली ही फिनिशिंग देगी। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मैंने जो वाटर ड्रॉप्स बनाए हैं, वो बिल्कुल 3D लुक पे फिनिशिंग के साथ दिख रही है। तो ये ट्रिक आप बिल्कुल यूज़ करिए, और एक बार यूज़ करके देखिए, अगर एक बार में नहीं, दो बार में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पेंसिल के हिसाब से जो पेंटिंग ब्रश होते हैं उनको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग पे, फिर धीरे धीरे वो हाथ जब बैठ जाती है तब वो आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ब्लैक कलर को पूरा क्यों नहीं किया बैकग्राउंड पे, मैंने छोटी छोटी सर्कल्स ड्रॉप के लिए क्यों छोड़ी हुई है। तो मैं बता दूँ कि क्या है, मैं कई बार ट्राई की हूँ कि ब्लैक कलर से ही, किस ब्लैक कलर का जब हम यूज़ करते हैं और फिर उसके बाद जब हम दूसरा कोई कलर यूज़ करते हैं, तब वहाँ पर वो कलर चेंज कर देती है। तो इसलिए मैंने सर्कल्स जो है वो पहले से ड्रॉ करके वहाँ पर छोड़ दी है, ताकि जो हम वहाँ पर वाटर की जो ड्रॉप्स बनाने वाले हैं उस पर कोई दिक्कत ना आए, और हमारा जो कलर है वो प्रॉपर वही दिखे जो हम दिखाना चाहते हैं। तो ये खासकर वाटर कलर में ज़्यादा होता है। और अगर हम ऑयल पेंट को पेपर पे यूज़ करते हैं, तब तो वो तुरंत ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ऑयल पेंट के लिए भी जो अलग से हमारा जो पेंटिंग सीट आती है, अगर हम उस पर भी ये ऐसा करते हैं कि पूरे ब्लैक पे पहले सरफेस कर दो, फिर उसके बाद उसके ऊपर वाइट का सरफेस लगा, तो कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है कि वाइट और ब्लैक कलर मिक्स हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना भूलिएगा मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।